हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत में 132 केवी का हैवी विद्युत टावर गिरा। घटनास्थल के पास था एलपीजी गैस का गोदाम। शहर के रेंद्री मार्ग पर गैस गोदाम के पास बिलाड़ा से सोजत आ रही 132 केवी हैवी विद्युत लाइन का टावर तेज बरसात के कारण मिट्टी धंसने से नीचे गिर गया। इस दौरान टावर के पास से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइनों पर 132 केवी के तार गिर जाने से सोजत रोड जा रही विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। इस टावर के पास खेत में कुछ लोग काम कर रहे थे, वो भी बाल बाल बच गए। वहीं थोड़ी ही दूर पर एलपीजी गैस का गोदाम स्थित था, लेकिन इस घटना के कारण किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई। सूचना मिलते ही 132 केवी जीएसएस के अभियंता सहित तकनीकी कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। इस प्रकार मंगलवार को शहर में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। घटना के बाद युद्ध स्तर पर टावर को वापस खड़ा करने का काम डिस्कॉम के द्वारा शुरू कर दिया गया है। 37 साल पुराना था विद्युत टावर नंबर 105 1983 में लगाया गया था टावर। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोजत में बिजली तंत्र स्थापित होने के बाद उसको मजबूत बनाने के लिए बिलाड़ा से सोजत को जोड़ने का काम शुरू हुआ 1983 में। 132 केवी हैवी लाइनों को टावर के जरिए तारों के माध्यम से बिजली को सोजत पहुंचाने का काम किया गया। इस दौरान ये 37 वर्ष पूर्व यहां पर खड़ा किया गया था, जो संभवतः पुराना होने व पिछले 24 घंटों में सोजत में हुई तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण वो भरभरा कर गिर गया। इससे पास के सोजत रोड कस्बे के लिए जा रही 11 केवी की लाइन चपेट में आ गई, जिसके कारण वहां बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इसमें दूसरा बड़ा एक और खतरा टल गया। टावर के पास ही कुछ लोग काम कर रहे थे जो बच गए, और थोड़ी ही दूर एलपीजी गैस टंकियों का बड़ा गोदाम था। अगर लाइनों की चपेट में गोदाम आ जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जागरूक टीवी के लिए सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।